हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओनली काइट। तो आज ये बहुत ख़ास पतंग लेके आया हूँ और ये मांजा भी बहुत ख़ास है। तो आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा, मैं लॉन्ग रेंज पेंचे लड़के दिखाऊंगा, मतलब 800 मीटर 700 मीटर ऐसे बहुत दूर पेंचे लड़के दिखाऊंगा। तो अगर आप ऐसे ही पतंग की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए इस पतंग को पार करते हैं। और ये लो, पतंग में हवा लग गई। तो अब चलिए आपको पेंचे लड़के दिखाते हैं। और ये ऊपर से मारा और ये देखिए ओपोनेंट के फ्रेंड पतंग कट गई। अब देख सकते हैं कैसे झूमते हुए जा रही है और ये सीधी ही नहीं हुई, लगता है ऐसे ही गिर जाएगी। ये पैच मैं आपको बता दूँ, लगभग 500 मीटर दूर पे ये पैच हुआ है। तो आपको अब अगली पैच लड़के दिखाते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड की पतंग है वो मेरी है और नीचे वाली पतंग ओपोनेंट की। और ओपोनेंट जो है वो क्लब काइट फाइटर है, काफ़ी अच्छी पतंग उड़ाता है। और ये मैं नीचे ले गया, ओपोनेंट मेरे आगे से उड़ा रहा है और ये पेंच लग चुका है। हाँ, ये पेंच लग चुका है। ओपोनेंट तो अभी ढील दे रहे हैं, मैं अभी धीरे धीरे खींच रहा हूँ। ओपोनेंट ऊपर ले गया और ये मैंने खींचा और ये लो, फिर से ओपोनेंट की पतंग कट गई। ये पेंच मैंने आसानी से ओपोनेंट को काट दिया। चलो अब अगली पेंच लड़के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप तो बता ही सकते हैं मेरी पतंग कौन सी है। और ओपोनेंट की पतंग प्लास्टिक की पतंग और ये मैंने खींचा और इस बार मैं कट गया। ओपोनेंट ने इस बार ढील दिया और मैंने खींचा, लेकिन मुझे अभी खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो चलिए अब अगली पतंग उड़ाते हैं। और ये भी एक अगली पतंग है जो लॉन्ग रेंज के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी हल्की पतंग है इसलिए खींच के लड़ाने में काफ़ी आसान होगा। तो अब इस पतंग को करते हैं पार और आपको पेंचे लड़के दिखाते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली पतंग मेरी है और नीचे वाली ओपोनेंट की है। और ये भी कम से कम 600 मीटर दूर तो ये पेंच हो ही रहा है। और इसमें भी ओपोनेंट एक क्लब काइट फाइटर है, तो इसमें मैं इसको ऊपर से नीचे देने की कोशिश करूँगा। ये पेंच निकल गया। पता नहीं ओपोनेंट कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं पेंच खेलने का मौका मिला, ये मैंने चक्कर पे चक्कर लगाया। अब मैं ढील दे रहा हूँ ये चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर। ओ नो नो नो, ओपोनेंट ने पतंग अंदर की तरफ खींच दिया और ये लो, मेरे से गलती हो गई, पतंग कट गई। तो यहाँ पे मैं अगली पतंग उड़ा ही रहा था तो पीछे से कोई और उड़ाने शुरू कर दिया। पहले इसको इससे निपटना पड़ेगा, फिर ही मैं आपको लॉन्ग रेंज पेंच दिखा पाऊँगा। तो इसको काटने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे अभी नहीं काटा तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है जब मैं लॉन्ग रेंज में जाऊँगा। तो ये अभी मुझे काटना पड़ेगा इसको, पता नहीं मैं अभी कट सकता हूँ। चलिए देखते हैं। मेरी पतंग नीचे से ओपोनेंट की पतंग ऊपर रेड वाली है। मैं ओपोनेंट के आने का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कभी भी पहले अटैक नहीं करता। मैं देखता हूँ ओपोनेंट किस तरह से पेंच लड़ने वाला है, उसी हिसाब से मैं खींचता हूँ। इस बार मुझे पहले ही अटैक करना पड़ेगा, ये चाहता है कि मैं पहले अटैक करूं। तो अब मैं पेंच लड़ने जा रहा हूं। मैं नीचे से खींचने की कोशिश करूंगा, ये ऊपर आई और ये पेंच लग चुका है। वो कैमरे के फ्रेम से बाहर निकल गया पेंच और ये लो ओपोनेंट की पतंग फ्रेंड कट गई, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाया। चलो अब इस बार आपको अच्छे से पेंच लड़के दिखाऊंगा। साइड वाली जो पतंग है वो मेरी है और राइट साइड वाली ओपोनेंट की है। और ये इस बार बहुत दूर से पेंच लगा है, जिसके भी कटेगी वो बहुत हिल से कटेगा। और ये पेंच लग चुकी है, मैं खींचा ओपोनेंट नीचे पटक दिया और ओपोनेंट लगता है वीडियो दे रहे हैं। जो भी कटेगा बहुत हिल से कटेगा। ये ओपोनेंट की फ्रेंड पतंग कट गई, ये कम से कम 200-300 मीटर से ज़्यादा हिल से कटी है। और अभी शाम होते होते आगे से बहुत सारे लोगों ने पतंग उड़ा दिया
और ये लॉन्ग रेंज तो नहीं है, ये बहुत पास ही हो रही है। तो ऊपर वाली पतंग मेरी है और नीचे वाली ओपोनेंट की, और ये मैं खींचा, ये पेच लग चुका है और ये लो ओपोनेंट की फ्रेंड्स इजीली कट गई। और वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। तो जी भर के पतंग उड़ाओ और खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।